होटल सोलफुल, हॉन्टेड होटल इन राजस्थान। तीन दोस्त पीयूष, विकास और अमित राजस्थान के एक छोटे से गांव छीतरी आए थे। वो लोग अपने बिजनेस के लिए उस गांव में फैक्ट्री डालना चाहते थे, क्योंकि उस गांव में जमीन और मजदूर दोनों ही काफी सस्ते थे। उस गांव में अमित ने होटल सोलफुल में रुकने का बंदोबस्त किया था। होटल सोलफुल एक छोटा सा होटल था, कोई आलिशान पत्थर नहीं थे उसमें, बस ईंट से बनी सफेद रंग की एक मंजिला इमारत और नीचे खाने का एक वेज रेस्टोरेंट, जिसमें भी टेबल और दरवाजों पर धूल लगी हुई थी, जैसे वहां का चूल्हा हफ्तों से जला ही नहीं था। जैसे ही वो लोग होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई स्टाफ ही नहीं था, बस वॉचमैन के नाम पर एक बूढ़े से चाचा बैठे थे जो अपनी बीड़ी पी रहे थे। पीयूष और विकास दोनों ही अमित को डांटने लगे, क्योंकि होटल बुक करने की जिम्मेदारी अमित की थी और वो होटल एकदम थर्ड क्लास लग रहा था। उनकी बातों को सुनते हुए वो वॉचमैन चाचा उन तीनों के पास हंसते हुए आए और उनसे पूछने लगे कि क्या वो होटल सोलफुल में ही रुकने वाले हैं। उन तीनों ने सर हिलाकर हां कहा और चाचा जोर से हंस पड़े। हंसते हंसते ही फिर उन्होंने चलना शुरू किया और कुछ गुनगुनाते हुए वहां से चले गए। उन तीनों ने उस वॉचमैन चाचा को पागल समझकर उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी रिसेप्शन पर एक आदमी आया, छोटे कद का, घनी मूछों वाला। उसने उन्हें रूम की चाबी दे दी। वो लोग ऊपर अपने कमरे में गए, अपना सारा सामान रखा और कुछ देर आराम करने लगे। पीयूष को अचानक प्यास लगने लगी और रूम में पानी नहीं था। पीयूष पानी लेने के लिए जैसे ही रूम के बाहर निकला, उसे पायल की एक झंकार सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे कोई पायल पहने भाग रहा हो। पीयूष घबरा गया। उसको ये बात बेहद अजीब लगी, क्योंकि उस होटल में कोई और नजर नहीं आ रहा था। अब उसके फ्लोर के कॉरिडोर के एंड से पायल की आवाज के साथ साथ एक जवान लड़की की हंसने की आवाज भी आने लगी। पीयूष उस आवाज के पीछे जाने लगा कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और पीयूष चीख पड़ा। पीछे रिसेप्शनिस्ट पानी लेकर खड़ा था। पीयूष ने अपनी बौखलाहट में उस रिसेप्शनिस्ट को डांटा और पानी लेकर वापस अपने रूम में चला गया। देर रात विकास रूम के बाहर होटल की बालकनी में खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उस बालकनी से हाईवे का लंबा रास्ता साफ दिखाई देता था। अचानक उस रास्ते पर एक एक्सीडेंट होता हुआ दिखा। विकास चौंक गया। वो नीचे दौड़ लगाने के लिए जैसे ही मुड़ा तो उसके पीछे सफेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी की लंबी सी सफेद दाढ़ी थी और मुंह पर ढेर सारी झुर्रियां थीं। विकास उस आदमी को देखकर घबरा गया था, क्योंकि वो आदमी सिर्फ हाईवे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर अचानक से उसने विकास को देखा और उसने हंसना बंद कर दिया। वो आदमी जैसे ही विकास की ओर बढ़ा, विकास डर कर अपने रूम में आ गया। रूम में आकर जब उसने अपने रूम की खिड़की से उस हाईवे पर देखा तो वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगले दिन तीनों फैक्ट्री की साइट देखने के लिए निकले, लेकिन गाड़ी शुरू होकर थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि अचानक बंद पड़ गई। दोस्तों, खूनी मंडे की थ्रिलिंग स्टोरीज के साथ साथ एंजॉय करो साउथ अफ्रीका की थ्रिलिंग T20 क्रिकेट लीग SA20, जो आप जियो सिनेमा पर देख सकते हो एकदम फ्री। फैफ डुप्लेसी, बटलर, मिलर, क्लासन, स्टोइनिस जैसे बिग हिटर्स इस लीग में खेल रहे हैं और अब इस लीग के क्वालिफायर्स और फाइनल होने वाले हैं। तो जल्दी से ट्यून इन करो जियो सिनेमा और देखो SA20 लीग। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कॉमेंट में। साइट जाने के लिए कोई बस या सवारी भी नहीं थी, तो उन तीनों ने रिसेप्शनिस्ट के कहने पर शहर से एक मैकेनिक को बुलाया। 3 घंटे बाद जब मैकेनिक आया तो उसने थोड़ी देर तक गाड़ी को देखने के बाद कहा कि गाड़ी को वर्कशॉप ले जाना होगा। वो तीनों मैकेनिक के साथ ही टो करने वाली गाड़ी में चले गए और साइट पर उतर गए। साइट देखते देखते शाम हो गई थी। उनको मैकेनिक का कॉल आया कि उनकी गाड़ी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और वो कब तक बनेगी कहां नहीं जा सकता। अब उन्होंने वापस जाने के लिए एक ट्रक वाले से बात की और उस ट्रक वाले को होटल पर खाना खिलाने का लालच दिया। लेकिन जब उन्होंने
उस ट्रक वाले के सामने होटल सोलफुल का नाम लिया, तब वो ट्रक वाला बेहद घबरा गया। उस ट्रक वाले ने उन्हें बताया कि होटल सोलफुल में भूतों का बसेरा है। उसने कहा कि होटल सोलफुल एक कब्रिस्तान पर बनाया गया था, एक नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा भूत वहां रहते हैं और इसलिए वहां कोई भी नहीं जाता। पीयूष और विकास के साथ हुए हादसों ने उन्हें सोचने पर मजबूर तो किया, पर अमित भूत प्रेत और सुपर नेचुरल चीजों में नहीं मानता था। उसने ये बात रफा दफा कर दी और ट्रक ड्राइवर से कहा कि वो उन्हें होटल से थोड़ा दूर ही उतार दे। बहुत मनाने के बाद वो ट्रक वाला मान गया और वो तीनों जैसे तैसे होटल पहुंचे। देर रात हो चुकी थी और तीनों कमरे में आराम कर रहे थे। अमित भी लेटे लेटे अपने फोन से खींची फोटोज देख रहा था, लेकिन अचानक वो उठकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश ही उड़ गए हों। उसकी तस्वीरों में उनके ही कमरे में कई सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे। वो बच्चे शायद जो उस होटल में बसे भूत थे। अमित के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने पीयूष और विकास को जब फोटोज के बारे में बताया तो वो तीनों बहुत घबरा गए। वो उस होटल के रिसेप्शनिस्ट को ढूंढते हुए नीचे आए, लेकिन रिसेप्शनिस्ट का नामो निशान ही नहीं था। वहां उन्हें वो बूढ़े चाचा बैठे हुए मिले। उन्होंने ये सब उन बूढ़े चाचा को बताया तो उस बूढ़े चाचा ने हंसते हुए कहा कि जब वो होटल के अंदर आए थे तो चार आत्माएं तो उनकी गाड़ी के ऊपर ही बैठी हुई थीं। उन्होंने बताया कि होटल सोलफुल में पिछले 18 सालों से भूतों का साया था। जब से यह होटल बना था तब से यहां के भूत होटल में आने वाले लोगों को जिंदा वापस नहीं जाने देते। किसी के एक्सीडेंट्स करवा देते हैं तो किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। फिर होटल की बालकनी की ओर इशारा करके उन्होंने बताया कि वहां देखो